गाइस, वेलकम टू बिसी ब्लॉग्स। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वी आर नॉट इन टच। हम लोग लॉकडाउन में बहुत दिन से बोर हो रहे हैं, कहीं भी नहीं जा पाए हैं। और आज का मैं वीडियो बना रही हूँ मदर्स डे की डेट कन्फ्यूजन पर, क्योंकि अभी लास्ट वीक से इतने मैगजीन्स और ऑफर्स आ रहे हैं मदर्स डे के। तो इट्स मार्च और हम लोग इंडिया में मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं सेकेंड संडे ऑफ मे। तो मैंने अभी बहुत सारा रिसर्च किया और अपना कन्फ्यूज़न दूर किया है, और ये इन्फॉर्मेशन अब मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने इस मदर्स डे डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठाया है और ऑर्डर किया है कुछ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदर्स डे डेट्स की। तो यूके में मदर्स डे सेलिब्रेट होता है 14th ऑफ मार्च, और डेट्स हर साल वेरी कर सकती हैं बिकॉज हर साल सेकेंड संडे सेम डेट का नहीं होता। और यूएस में सेलिब्रेट या होता होता है सेकेंड संडे ऑफ मे। तो दोनों का जो ओरिजिन है बहुत डिफरेंट है, दोनों का कहीं कोई लिंकअप नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके के मदर्स डे। यूके में मदर्स डे स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द टाइम ऑफ मदर मैरी। तो इट वॉज 16th सेंचुरी। तो यूके में मदर्स डे स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी से, जिसका बेसिक कंसेप्ट जो था, जो भी सर्विस वर्कर्स थे डोमेस्टिक और जो भी अपने जो उनका मदर चर्च है, लोकल चर्च जहाँ से दूर होते थे, तो वो लेंट का जो 4th संडे होता था, आई मीन लास्ट संडे, तब वो अपना मदर चर्च जाके अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक गेट टुगेदर करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। बट लेंट का जो संडे था उसी डेट में बहुत वेरिएशन आ रहा था, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके जस्ट 3 वीक्स बिफोर ईस्ट। लेंट इज अ क्रिश्चियन फेस्टिवल, तो लेंट का जो लास्ट संडे था ये इस गेट टुगेदर के लिए चूज किया गया था। बट ड्यू टू सम वेरिएशन और समथिंग एल्स, तो 3 वीक्स अगो ईस्टर जो संडे होता था तब मदर्स डे यूके में सेलिब्रेट होता था। इट्स फ्रॉम 16th सेंचुरी। और मदर मैरी से मिलने लोग जाते थे, और जो भी उनका चर्च में गेट टुगेदर होता था उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट देते थे। और अगर आज के एरा की बात करें तो हम लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, तो उस टाइम पे लोग मदर्स डे पे चर्च में कुछ रिजोल्यूशन लेते थे, कुछ भी बैड हैबिट उनको छोड़नी है या जो भी है। और एक ट्रेडिशनल केक था जिसको ये लोग अभी ईस्टर पे सेलिब्रेट करते हैं, उस केक को मेन डिश कंसिडर करते हैं, और उस टाइम वो मदर्स डे पर ये लोग बनाते थे और खाते थे और इस तरह से सेलिब्रेट करते। तो अगर अब हम बात करें यूएस की, तो यूएस में जो कंसेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था 1907 में। तो ये स्टार्ट किया था एना जॉर्विस ने। तो एना जॉर्विस ने अपनी मम्मी और उनकी कुछ फ्रेंड सर्कल और कुछ और लोगों को बुला के अपनी मम्मी के लिए एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया था, जो कि यूके में यूएस में इतना फेमस हुआ कि 1907 से 1914 जस्ट जस्ट इन फ्यू इयर्स ये बहुत सारी स्टेट्स में अडॉप्ट कर लिया गया, और वहाँ से ये बढ़ते बढ़ते पूरा वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो गया। और मोस्टली कंट्रीज में सेकेंड संडे ऑफ मे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब चाहे मे हो या मार्च, मदर्स डे यार बहुत स्पेशल है, हर दिन माँ का ही दिन है, तो आप जब चाहो तब सेलिब्रेट करो। इट्स नॉट अ सेम कंसेप्ट ऑफ यूएस और यूके, तो दोनों का ओरिजिन भी डिफरेंट है और कंसेप्ट भी अलग है। तो ये हुई मदर्स डे के कंफ्यूजन की बात, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता थी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि इंडिया में हम मई में सेलिब्रेट करते हैं और ये मार्च से ही क्यों ऑफर्स आ रहे हैं। तो ये मदर्स डे के ऑफर का मैंने फ़ायदा उठा के भी एक कुरियर मंगाया है। तो ये रहा, मैंने मंगाए हैं रिबॉक के ये शूज़, तो इनको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। रॉयल मेल से आया है, विद इन 2 डेज डिलीवर हो गया है, और ये रिबॉक का कुरियर है, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। ये है हमारे ब्रांड न्यू शूज। ग्रिप अच्छी है, कलर अच्छा है, और मुझे तो ये काफी पसंद आ रहे हैं। आप भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं।
शूज़ फाइनली हमने अनबॉक्स कर लिए हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।